हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर कैप से रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो न्यू साइबर कैप ओपन किए हैं या ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उनके लिए लाए हैं 35 प्लस वेबसाइट यानी कि सर्विस का नाम, जो कि डेली यूज करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो ये 35 प्लस सर्विस को आप डेली यूज करके अच्छी खासी इनकम आप अपने शॉप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से सर्विस हैं, किस प्रकार से आपको यूज करना है, सर्विस को यूज करने में आपको कितना चार्ज लगेगा, या कौन सा सर्विस है जिसमें आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी ऐसे साइबर कैब संचालक हैं जिनको लगता है कि मेरे पास CSC ID नहीं है तो मैं अपना शॉप नहीं चला सकता हूं, तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास CSC ID नहीं भी है तो भी आप अपने साइबर कैब चला सकते हैं और डेली का इनकम कर सकते हैं। जो मैं इसमें 35 प्लस वेबसाइट का नाम बताया हूं, 35 प्लस सर्विस का नाम बताया हूं, वो दोस्तों आप डेली यूज करके आप अपने शॉप पे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और अपने शॉप पे कस्टमर की भीड़ लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको करना है, चलिए हम आपको अपने कॉपी के पास लिए चलते हैं। और मैंने कॉपी पे अपने कलम से लिखा है सारे सर्विस का नाम, और सारे सर्विस में जो जो सर्विस यूज होंगे उसमें कितना चार्ज आपको पे करना है, सारी डिटेल्स पूरी जानकारी मैं उसमें बताया हूँ। तो दोस्तों, आपको फिर से बता दूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप एक बार देख लिए, शुरू से अंत तक देख लिए, तो दोस्तों मेरा दावा है कि जो आप सर्विस यूज करना नहीं जानते थे वो सर्विस आप यूज कर पाएंगे और अच्छी खासी इनकम कर लेंगे। जैसा कि आप कहीं पे भी कोई कस्टमर आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि हमको ये चीज़ बना दीजिए, तो आप YouTube पे देखते हैं, लेकिन दोस्तों ये सर्विस आप देख लीजिए और आप अपने कॉपी और कलम पास में रख लीजिए। जैसा जैसा मैं बताऊंगा आप अपने कॉपी और कलम से, पेन से, कॉपी पे नोट करते जाइए, बुक पे नोट करते जाइए और उसको याद कर लीजिए कि किस वेबसाइट पे कौन सा सर्विस है, उसमें कहाँ से यूज करना है। अगर आप इसको याद कर लिए तो आपको मैं बता दूँ, गारंटी के साथ आप बिना CSC ID के भी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने कॉपी के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से बता दूं, 35 प्लस सर्विस के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने कॉपी के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपने कॉपी पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने तकरीबन 35 प्लस वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख के रखे हैं, और कौन से वेबसाइट पे कौन से सर्विस यूज करना है, कितना आपको पेमेंट लगेगा, ये सारा डिटेल्स इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है बिना CSC ID के साइबर कैप ऑल सर्विसेज, यानी कि अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो बिना CSC ID के भी ये सारा सर्विस आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले में मैंने बताया है पैन कार्ड अप्लाई, तो पैन कार्ड अप्लाई के लिए आप अपने कस्टमर से 200-250 रुपये चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपको दोस्तों पेमेंट कटेगा वो सिर्फ और सिर्फ 107 रुपये ही कटेगा, ठीक है। ये आप बिना CSC ID के भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पैन कार्ड रीप्रिंट, यानी कि अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, दोबारा आप मंगाना चाहते हैं, तो इसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपये। आप अपने कस्टमर से 100-150 रुपये चार्ज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दोस्तों, तीसरे नंबर पे मैंने बताया है पैन कार्ड करेक्शन,
तो जी हाँ, पैन कार्ड करेक्शन में सारा प्रोसेस यही रहेगा। इसमें भी आप 200 रुपये 250 रुपये कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें आपसे चार्ज कटेंगे वो 107 रुपये ही चार्ज कटेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने बताया है पेन नंबर फाइंड। जैसा कि मैंने एक प्रिंट पोर्टल के द्वारा पेन नंबर फाइंड किया है, उसमें जो चार्ज कटे हैं दोस्तों 35 रुपये चार्ज कटे हैं। आप कस्टमर से 50 रुपये 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है पांचवे नंबर पे पेन कार्ड डाउनलोड। तो दोस्तों पेन कार्ड भी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको 8 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर से 50 रुपये 100 रुपये जितना चाहें ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है छठे नंबर पे आधार कार्ड डाउनलोड। तो दोस्तों आधार कार्ड आप तो चलिए आधार कार्ड डाउनलोड, तो दोस्तों इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है और आप अपने कस्टमर से 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आधार कार्ड करेक्शन। तो अगर आपके पास आधार कार्ड करेक्शन की आईडी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप उसमें एड्रेस करेक्शन, उनके पिताजी या उनके हस्बैंड का नाम आप करेक्शन कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको 50 रुपये चार्ज कटेंगे। आप कस्टमर से 100 रुपये 150 रुपये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आठवें नंबर पे आधार कार्ड पीवीसी ऑर्डर। आप आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। आप कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप इसमें कस्टमर से 50 रुपये जो चार्ज होता है चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों ई श्रम कार्ड, ये भी आपको फ्री में है। आप कस्टमर से 50 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद आ गया पीएम किसान, ये भी दोस्तों फ्री में ही होता है। आप कस्टमर से इसमें भी 50 रुपये ले सकते हैं। अब आ गया राशन कार्ड न्यू अप्लाई। अगर आप राशन कार्ड के लिए नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर से 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1 रुपये चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये फ्री में बनता है। आप अपने कस्टमर से जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। उसके बाद है वोटर कार्ड अप्लाई, ये भी दोस्तों फ्री में ही है। कस्टमर से आप नया वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं या 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी 1 रुपये चार्ज नहीं कटता है। फिर है वोटर कार्ड करेक्शन, इसमें भी दोस्तों 1 रुपये चार्ज नहीं कटता है। सेम प्रोसेस है, 100 रुपये या 50 रुपये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों वोटर कार्ड डाउनलोड, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में होगा। ये भी आप 100 रुपये 50 रुपये, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद है ट्रेन टिकट, इसमें दोस्तों आप एक टिकट पे 100 रुपये कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली टिकट काटा जाता है। अगर आप प्रीमियम या तत्काल काटते हैं तो आपके ऊपर है, आप कितना चार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट पे मैक्सिमम आपको 300 रुपये चार्ज करना है। उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज। दोस्तों आप अपने दुकान पे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपये पे 3 रुपये कमीशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कैश विड्रॉल AEPS, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है। तो दोस्तों 1000 रुपये पे आप सभी दुकान पे कस्टमर से 10 रुपये चार्ज किया जाता है, तो आप भी इसमें 10 रुपये चार्ज कर सकते हैं या कम ले सकते हैं। उसके बाद आपको APS पोर्टल के द्वारा 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ऐसे करके कमीशन मिलता है। उसके बाद है अकाउंट ओपनिंग। अगर आप किसी भी बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो बैंक के तरफ से दोस्तों आपको 1 रुपये कमीशन नहीं मिलेगा। आप कस्टमर से 100 रुपये ही चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है आपको मनी ट्रांसफ़र, यानी कि जैसा कि आप आधार कार्ड से पैसा निकालेंगे तो उसके वॉलेट में जो पैसा रहेगा वो अपने कस्टमर जो भी बोलते हैं कि हमारा इस खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मनी ट्रांसफ़र करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी आप
अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट का भी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप अपने दुकान पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर कस्टमर से पैसा ले सकते हैं, जो कि 250 रुपये 300 रुपये तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जाति आय निवास, यानी कि एक का 50 रुपये हम लेते हैं तो तीनों का 150 रुपये हो गया दोस्तों, आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिज्यूम, जो कि कहीं पे भी जॉब के लिए रिज्यूम बनाया जाता है तो आप 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है पीएफ क्लेम, इसके लिए दोस्तों हम 100 रुपये अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं पीएफ क्लेम का। उसके बाद दोस्तों है ज़मीन रसीद, यानी कि जिनका भी ज़मीन अभी सर्वे चल रहा है, जिनका भी ज़मीन आप ऑनलाइन काटते हैं तो 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये तक आप एक रसीद पे ले सकते हैं, और ज़मीन का रसीद किस प्रकार से ऑनलाइन काटना है उसका भी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड किया है, अपने चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि अगर आप किसी भी कस्टमर का पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे 1500 रुपये चार्ज किया जाएगा, और आप अपने कस्टमर से जो है दोस्तों 1700 रुपये यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या 100 रुपये एक्स्ट्रा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको 1500 रुपये चार्ज देना ही पड़ेगा। सिम कार्ड सेलिंग, आप अपने शॉप पे सिम कार्ड भी सेल कर सकते हैं, एयरटेल BSNL जियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने शॉप पे सिम कार्ड सेलिंग करेंगे या नहीं। इसमें भी आप कस्टमर से 100 रुपये 200 रुपये चार्ज कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है आधार कार्ड प्रिंट, यानी कि प्रिंट पोर्टल के माध्यम से आप अपने कस्टमर का फिंगर प्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप उनके फिंगर से उनका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको लमसम 35 या 40 रुपये के आसपास चार्ज होंगे, और आप अपने कस्टमर से 150-200 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने कस्टमर से 150 रुपये चार्ज करता हूँ। उसके बाद आ गया वोटर इन स्टैंड, वोटर इन स्टैंड आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसमें जो मैं प्रिंट पोर्टल के बारे में बताया हूँ उसमें 15 से लेकर 20 रुपये तक चार्ज किया जाता है, आप वोटर इन स्टैंड का भी काम कर सकते हैं, और आप अपने कस्टमर से 100 रुपये 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दुकान कितना पुराना है। अगर दोस्तों आप नया नया साइबर कैफ ओपन किए हैं तो थोड़ा ही कम पैसा कमाइए, जैसा कि 15 रुपये चार्ज कट रहा है तो आप यहाँ पे 80 रुपये 70 रुपये या 50 रुपये ही लीजिए। अगर आपका कस्टमर पुराने हो गए हैं, आपका दुकान चल चुका है, तो दोस्तों आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 30 नंबर तक हम आपको बिना CSC ID के जो सर्विस हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। चलिए अब आगे का बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 31 नंबर है वृद्धा पेंशन, यानी कि आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है दोस्तों, उनको पेंशन दिया जाता है तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं, उनसे आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1 रुपये नहीं कटेगा, यानी कि 0 रुपये आपका चार्ज रहेगा। ये जो 100 रुपये आप लेंगे दोस्तों, ये आपका सीधा बचत होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप न्यू शॉप ओपन किए हैं तो आप 50 रुपये ही चार्ज कीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़की आते हैं जिनको कि सरकारी नौकरी की तलाश होती है, तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर पे मैंने बताया है सरकारी जॉब, इस पे जब आप इसका पोर्टल ओपन कीजिएगा तो उस पे सरकारी जॉब से रिलेटेड सारी वैकेंसी के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है सरकारी एग्जाम, इस पे भी सारा चीज बताया गया है। फिर सरकारी रिजल्ट, इस पे भी वैकेंसी के बारे में बताया गया है, ऑल इंडिया वैकेंसी के बारे में इस पे बताया जाता है। फिर आगे आपका सरकारी नौकरी, ये दोस्तों ये चार ऐसे पोर्टल हैं कि जो भी आप साइबर कैप ओपन किए हैं और आपके शॉप पे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि सरकारी जॉब की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इन चारों पोर्टल को यूज करके आप उनको डिटेल्स बता सकते हैं और यहाँ से फॉर्म
जो है अप्लाई करके भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों सारथी परिवहन, यानी कि डीएल ड्राइवरी लाइसेंस। सारथी परिवहन से भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। पहले पहले तो आपको दोस्तों लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डीएल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया दोस्तों फसल बीमा, यानी कि जैसे बिहार में रबी फसल और खरीफ फसल होता है, तो ये दो फसलों के लिए आप बीमा करके अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, और कस्टमर से 50 रुपये 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। ये भी आपको जो है बचत ही होगा दोस्तों। उसके बाद आ गया कोविन, यानी कि दोस्तों कोविड का जो दौर चल रहा था उस समय काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, काफ़ी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा था, तो अभी कहीं ना कहीं कोविड सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत पड़ता है जिनको कि विदेश जाना होता है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं तो 10 रुपये कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी आपको 0 रुपये लगेगा, इसमें भी आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से कितना पैसा ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डीबीटी, यानी कि जो कि बिहार में डीबीटी का लिंक है, यहाँ से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डीजल अनुदान के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और कृषि यंत्र के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो जिनको पेंशन दिया जाता है उनको लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी आपको 1 रुपये चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों आ गया सीएससी सर्टिफिकेट, तो जिनके पास सीएससी सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, वो ये 40 जो मैंने वेबसाइट बताए हैं वो बिना सीएससी आईडी के भी यूज करके अपने शॉप पे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास सीएससी आईडी है, तो मैं सीएससी आईडी का भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त न्यू साइबर कैप ओपन किए हैं या ओपन करने वाले हैं, इन सारे वेबसाइट को यूज करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।